अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका सबरे एसएम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो में एक्स अंपायर पे। जैसा कि मेरा आपसे प्रॉमिस था कि एक्स अंपायर की जैसे ही एनएफटी मुझे रिसीव हो जाएगी तो उसको किस तरह सेल करना है वो भी आपको बताऊंगा, सेल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी आपको बताता हूँ और सारी डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एक ही ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे नाम से फेक बने हुए हैं, किसी फेक में नहीं जाना वरना आपको लूटा जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, चेक करते हैं कि हमें एक्स अंपायर की एनएफटी रिसीव भी हुई है कि नहीं हुई। अगर रिसीव हो गई है तो फिर जो है आपको सेल करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपने अपने उस वॉलेट में आ जाना है जिसको आपने कनेक्ट करके जिसमें मिंट की थी, अपनी क्लेम की थी अपनी एनएफटी एक्स अंपायर की। तो मैं जो है इसमें आ चुका हूं अपने टेलीग्राम के वॉलेट में, और इसमें जो है हमने टोन बीटा स्पेस जो है टोन स्पेस बीटा इसको कनेक्ट करते होते हैं। तो टोन स्पेस बीटा में ही जाने के बाद जो है हमें आइडिया होगा, यहां पे पता लग जाएगा कलेक्टिबल्स में जो है हमारे, देख सकते हैं कलेक्टिबल्स में हमारे पास जो है ये सारी हमारे पास जो है सिंपल एनएफटी ये शो हो रही है। 35 एनएफटी जो है मुझे यहाँ पे रिसीव हो गई हैं। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ये सारी आपको यहाँ पे आपकी नजर आ रही होंगी, जितनी भी आपको रिसीव हुई होंगी यहाँ पे आप आगे चेकआउट कर सकते हैं। तो हमें रिसीव हो गई हैं, अब इसको सेल किस तरह करना है वो आपको बताता हूँ। उसके लिए जो है हमें एक्स अंपायर के जो है बोर्ड पे जाना पड़ेगा और वहीं से हमें जो है लिंक मिल जाएगा। तो हम जो है अपने एक्स अंपायर के बोर्ड पे आ चुके हैं। एक्स अंपायर के बोर्ड पे आने के बाद जो है इसको सबसे पहले आपने ओपन कर देना है। ये मत भूलिएगा सिर्फ 14 दिन रह गए हैं इसकी माइनिंग एंड होने में, तो इसको जो है जितना आपके पास टाइम है सिर्फ जो है 14 दिन का टाइम है, आप माइन कर लीजिए, उसी के बेसिस पे आपको एयरड्रॉप मिलेगा। क्लेम पे क्लिक करता हूं, क्लेम पे क्लिक करने के बाद जो है सिंपल यहां पे हमारे पास मिंट एनएफटी का जहां पे ऑप्शन आ रहा है तो इस मिंट एनएफटी वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे। हमारी जो है यहाँ पे हमें एनएफटी रिसीव हो चुकी है, यहाँ पे भी हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इसको हम स्क्रोल कर लेंगे। नीचे स्क्रोल करने के बाद आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको गेट जेम्स पे जो है ये एनएफटी सेल करनी है, तो गेट जेम्स पे हम चलते हैं। ये जो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसकी जो मार्केट है यही हमारे पास इसकी मार्केट है जहां पे कर सकते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन होगा, वही वॉलेट जो है सिंपल कनेक्ट कर लीजिएगा जिसपे आपने की हुई है। उसके बाद जो है सिंपल ये अपनी प्रोफाइल ओपन करके ना, सिंपल प्रोफाइल ओपन करने के बाद जो है सिंपल ये देख लीजिएगा कि आपको कलेक्टेड में जो है यहाँ पे शो हो रही है। वही वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो जिस वॉलेट में आपको रिसीव हुई है तो आपकी सारी जो है यहाँ पे शो हो रही होंगी। एक एनएफटी का जो आपको जो वूचर है उसके क्वाइन जो मिलेंगे वो 69,000 मिलेंगे। अब 69,000 को जो है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की है 0.0006 मैंने इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की है, तो इससे जो है आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि अगर फायदा अभी आपको हो रहा है इसको सेल करने का या बाद में होगा जब इसका क्वाइन लॉन्च होगा, तो ये एनएफटी जो है हमारी कन्वर्ट होके हमें जो है इसका क्वाइन मिल जाएगा। तो आपको बाद में करनी है या पहले करनी है ये अब आपके ऊपर है। तो हम जो है अभी की इसकी फ्लोर प्राइस देख लेते हैं कि किस प्राइस पे हमें जो है सेल करनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे 2 टोन जो है फ्लोर प्राइस चल रही है, मतलब के $5 जो है एक टोन की वैल्यू चल रही है, तो $10 की जो है एक एनएफटी हमारी जो है अभी के लिए यहाँ पे सेल हो रही है। अब आपकी मर्जी है, देख लीजिए कि अब आपको सेल करना है या नहीं करना, लेकिन सेल करने का प्रोसेस मैं बता दूंगा। ये देख सकते हैं आपको जाना है यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे, ओपन प्रोफाइल पे, और यहाँ पे अपनी जो भी एनएफटी सेल करना चाहते हैं, ये वाली करना चाहते हैं, ये वाली या ये वाली जो भी करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे पुट ऑन सेल का ऑप्शन होगा, पुट ऑन सेल पे क्लिक करेंगे, या किसी को भेजना चाहते हैं एनएफटी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो नीचे ट्रांसफर का ऑप्शन है, लेकिन आप जो है पुट ऑन सेल पे करना चाहते हैं पुट ऑन सेल पे करेंगे। आप जो है ऑक्शन पे लगाना चाहते हैं, ऑक्शन मतलब नीलामी पे लगाना चाहते हैं, लोग आए यहाँ पे बिड करें, और बिड का मतलब है कि बोली लगाएं, और बोली लगने के बाद जो मैक्सिमम बोली लगाए ना, जो बंदा सबसे ज्यादा बोली लगाए उसको जो है आप सेल कर दें। ये वाला आप ऑक्शन वाला सीन रखना चाहते हैं या फिक्स्ड प्राइस आप रखना चाहते हैं कि मैं फिक्स प्राइस है मेरी 2 टोन, जो बाय करना चाहता है मोस्ट वेलकम, जो नहीं करना चाहता वो इससे दूर रहे। बोली पे क्या होगा कि कोई जो है इसकी बोली 5 टोन भी लगा सकता है और कोई जो है 0.5 टोन भी लगा सकता है, उसमें आपको कंफर्म नहीं होता कि कितनी आपकी जो है इसकी जो वूचर है जो एनएफटी है इसकी बोली लग जाए, उसमें ज्यादा भी लग सकती है कम भी, लेकिन फिक्स्ड प्राइस रखेंगे तो उसमें फिक्स हो जाएगा कि आप कितने पे करना चाहते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड प्राइस अगर देखते हैं, फिक्स्ड प्राइस में आपको जो है एंटर प्राइस करनी पड़ेगी। 2 टोन में अगर एंटर करता हूं, क्योंकि यही जो है हमारे पास वो चल रही है, सर्विस फी जो है 0.1 टोन आपकी सर्विस फी भी लग रही है, और क्रिएटर रियलिटी में 0.4 जो है हमारे पास लग रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि आपको जो है 1.5 टोन ही रिसीव होगा,
0.5 टोन जो है बाकी आपकी फीसेज में और रॉयल्टीज फीस में और इन चक्रों में जो चला जाएगा, आपको सिर्फ जो है 1.5 टोन ही रिसीव होगा अगर 2 टोन की ये सेल हो गई। पुट ऑन सेल पे करेंगे तो आपकी सेल पे जो है ये लग जाएगी। पुट ऑन सेल पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो है ट्रांजैक्शन जाएगी, आपने वॉलेट में जो है गो टू वॉलेट पे क्लिक करना है और वॉलेट में उसी वॉलेट में जिसमें आपकी पड़ी हुई है उसी में आपके टोन भी होने चाहिए। टोन स्पेस बीटा में आपको टोन रखने पड़ेंगे। आप जो है अगर यहाँ पे कंफर्म करेंगे आपको जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका टोन बैलेंस है और यहाँ पे आपको $0.33 की जो है गैस फी लग रही है एक NFT को सेल करने की। तो यहाँ से कंफर्म करेंगे तो आपका वाउचर जो है ये सेल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं करना चाहते, इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे जो है हम दोबारा से वापस चलते हैं, इसको जो है हम कट कर देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे जो है अगर जो है पुट ऑन सेल पे क्लिक करने के बाद ऑक्शन पे लगाना चाहते हैं तो ऑक्शन पे लगाने के लिए जो है आपको यहाँ पे अपनी मिनिमम बिड जो है सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप कितना जो है कम से कम बिड, कम से कम बिड हमारे पास फ्लोर प्राइस 2 टोन चल रही है तो 2 टोन रखेंगे। और उसके बाद जो है एक्सपायरी डेट आप कब तक रखना चाहते हैं, आप 7 दिन, 8 दिन या 14 दिन की रखना चाहते हैं, आपकी वो मर्जी है। मैक्सिमम बिड जो है कितनी होनी चाहिए वो भी आप लगा सकते हैं। मैक्सिमम बिड जो है अगर 5 टोन जो है इसकी हमारे पास कोई बिड लगा दे तो उसको जो है ये इंस्टेंट सेल हो जाए, उसको वेट ना करना पड़े तो वो आप लगा सकते हैं। मिनिमम स्टेप परसेंटेज इसको आप ऑफ ही रहने दीजिएगा और पुट ऑन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे ही जैसे हमारे पास फिक्स्ड प्राइस में हमारे पास जो है गो टू वॉलेट पे क्लिक करके जो है हमारे पास ट्रांजैक्शन जाएगी वॉलेट में और इसमें $0.33 की जो है हमारे पास फीस लगेगी। ये देख सकते हैं $0.3 की फीस लग रही है। कंफर्म करेंगे आप तो आपकी कंफर्म हो जाएगी और आपकी जो है ऑप्शन पे लग जाएगी। तो मैं जो है अभी के लिए फिलहाल के लिए इसको सेल नहीं करने जा रहा। आप सेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते ये आपकी मर्जी है। मैं देखूंगा अगर इसकी फ्लोर प्राइस जो है कुछ और इंक्रीज हो जाती है तो मैं इसको सेल करूंगा, वरना जो है अभी के लिए जो है मैं इसको सेल करने से कासिर हूं क्योंकि अभी के लिए फ्लोर प्राइस जो है बहुत नीचे आ चुकी है। 7 टोन की जो है फ्लोर प्राइस थी जो कि अब कम होती होती जो है 2 टोन तक आ चुकी है। और इसका वॉल्यूम वगैरह और बाकी चीजें चेकआउट कर सकते हैं, बाकी ये आप चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है मिनिमम बिड जो है 1 टोन की तो अक्सर जो है यहाँ पे लग ही रही है। 1 टोन तक जो है यहाँ पे इजिली सेल हो रही है, 1.5 टोन तक भी, लेकिन 2 टोन तक बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ पे सेल हो रही है। तो आप अगर 2 टोन पे लगा भी देते हैं तो बड़ी मुश्किल से आपकी सेल होगी, ना होने के बराबर ही, मतलब आपकी वो लगी रहेगी, आपको वेट ही करता रहना पड़ेगा। अगर 1 टोन इसकी प्राइस रखेंगे तो इंस्टेंट सेल हो जाएगी, फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, वो जल्दी से सेल हो जाएगी। क्योंकि मेरा आपसे प्रॉमिस था कि आपको प्रोसीजर कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरह सेल करना है, तो आपको बता दिया है ये प्रोसेस है। अब करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन एक काम आपने लाजमी करना है, वीडियो को लाइक लाजमी आपने कर देना है अगर पसंद आई हो तो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी अलाव।